तो हम लोग ईथर बनाने की विधि को देखे थे ईथर का वर्ग क्लासिफिकेशन भी देखे थे अब हम ईथर के भौतिक और रासायनिक गुण की चर्चा करते हैं तो ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए ये ईथर समूह है कम से कम दोनों तरफ एक एक कार्बन हो तो ईथर बनेगा दोनों तरफ अल्काइल होना अनिवार्य है अल्काइल के साथ अगर गलती से आप हाइड्रोजन लगाएंगे तो अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा तो इथर में एक कार्बन और दो कार्बन के जो इथर होते हैं वो तो गैस हैं इससे अगर अधिक कार्बन के लेंगे तीन कार्बन चार कार्बन पाँच पाँच कार्बन के तो वो द्रव होते हैं हालांकि वाष्पशील होते हैं ज्वलनशील होते हैं इथर इथर में अगर हम कार्बन के संख्या को बढ़ाएं तो इसका मोलिकुलर वेट बढ़ जाता है आणविक द्रव्यमान जिसको बोलते हैं जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा और जैसे ही इसका आण्विक द्रव्यमान अनुभार में वृद्धि होगी इसका गलनांक क्वनांग भी बढ़ जाता है अल्कोहल की तरह अन्य हाइड्रोकार्बन किस तरह कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो गलनांक क्वनांग बढ़ेगा जल में विलेता की बात करें तो छोटे इथर जो होंगे वो जल में विलय ले होंगे लेकिन जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ेगा इधर का जल में विल्यता कम हो जाएगा अब रहा बात केमिकल प्रॉपर्टी का तो ईथर अगर है और ईथर की अभिक्रिया हम लोग देखिए ये ईथर हो गया दोनों तरफ अल्काइड समान भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं अगर इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से कराई जाए तो क्या होगा फिर से आप तोड़ लीजिए देखिए यहां पे दोनों के बॉन्ड बराबर हैं ये भी ऑक्सीजन का ही बॉन्ड है ये भी ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये, ये अलग बात है कि इधर अल्काइल की संख्या बढ़ सकती है इधर कार्बन की संख्या बढ़ जाए या इधर बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों बराबर है तो भी कोई बात नहीं तो ये भी टूट सकता, सकता है लेकिन एक ही में दोनों नहीं टूट सकता दीजिए अगर यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे तो, 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 तो एक ये अल्काइल तो ऑक्सीजन के साथ ही होगा ये अल्काइल फ्री हो गया तो ये फ्री हो तो इस पर क्या है भाई प्लस है तो ये प्लस किसके साथ जाएगा माइनस के साथ और ये प्लस किसके साथ जाएगा इस माइनस के साथ तो अगली बार क्या बनेगा आरओएच और प्लस आरएक्स लेकिन आरएस के साथ एक्स जाएगा लेकिन ये रिएक्शन रुकता नहीं है फिर से रिएक्ट होगा और अगली बार में फिर अल्काइल हैलाइड देगा ये अल्कोहल बन चुका है जो पुनः हाइड्रोजन है हैलाइड से रिएक्ट करेगा और फिर टूटेगा और ऐसे स्थिति में प्लस किसके साथ माइनस के साथ और आर एक्स निकल जाएगा यहाँ पर देखिए कौन सा डिंग इधर वाला जिस पर हम लोग डैश लगाए थे अगर गलती से इसको छोड़ दें यहीं पे, और फिर से देखते हैं इसको अगर हम ये इथर लेते हैं और हाइड्रोजन है हाइलाइट से रिएक्ट कराते हैं यहीं पे डैश है अगर गलती से ये बॉन्ड पहले टूटा ये तो पता नहीं किधर कितने कार्बन इधर कितने कार्बन है बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं हो सकता है इधर वाला ही कम हो इधर वाला ज्यादा हो उधर वाला कम हो इधर वाला ज्यादा हो अगर यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा तब तो आर डे के साथ आरडेस के साथ ओ है तो सामान्य भाषा में आप समझ लें कि जिसके साथ ओ जाएगा उसके साथ एच जाएगा और mm. जिसके साथ ओ नहीं जाएगा उसके साथ एक्स जाएगा तो क्या बनेगा आर डे ओ एच प्लस आर एक्स तो क्या ये आरडेसओ एच स्टेबल थोड़ी है ये तो इथर के साथ आपने हाइड्रोजन हेलाइट ले लिया है तो ये रिएक्शन को रुकने नहीं देगा पुनः रिएक्ट कराएगा और फिर से अल्काइल हेलाइट देगा क्लियर इसको नोट कर लें देखिए ईथर की अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से कराएं हेलोजनीकरण सीधे कहिए इथर के साथ हेलोजनीकरण हेलोजनन या हेलोजन का संयोजन तीनों भाषा का उपयोग आप कर सकते हैं तो बाई द वे हम यही इथर ले लें लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजनेशन की जो प्रक्रिया है इसको बेसिक क्लास में बताया गया है आप फिर से देख सकते हैं वीडियो को वीडियो है इसमें कि भाई हाइड्रोजन का संयोजन बेसिकली सन सूर्य के प्रकाश में ही जल्दी होता है अंधेरे में नहीं होता लेकिन ईथर के साथ थोड़ा सा रिएक्शन ये देता है तो आप ध्यान दें यहाँ सब पे हाइड्रोजन तो होंगे ही यहाँ पे दो सी एल हैं अगर आप अंधेरा लेते हैं कंपेरिजन देख लीजिए आप कंपेरिजन देख लेंगे तो गड़बड़ी नहीं करेंगे आप कंपरेटिव डिग्री से आप देख लें तो जैसे यहाँ पे हाइलोजन लिया अंधेरा लिया तो अंधेरे में रिएक्ट करा रहे हैं तो एक हाइल्रोजन ऑक्सीजन यानी ईथर समूह के बगल वाले कार्बन पे दोनों में कहीं लग जाएगा तो मेरे पास दो सेल है तो एक हाइड्रोजन यहाँ का रिलीज हुआ तो एक सेल के साथ चला गया और एक सेल एल अगर यहाँ पर लग गया तो यहां ध्यान दीजिए एक्सएल लग गया तो निकला क्या एच सी एल अगर आप पुनः रिएक्ट कराएंगे एल टू से अंधेरे में तो फिर से एल लगेगा कहाँ लगेगा बगल वाले पे हाँ यहाँ यहां लग जाएगा और यहां तो पहले से था ही। तो यहाँ पे दोनों जगह पे सीएल लग गए ये अंधेरे की रिएक्शन है अब जैसे ही इसको आप नोट कर लेंगे लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर हम लोग के पास कितने हाइड्रोजन है भाई टोटल हाइड्रोजन काउंट कीजिए पाँच इधर और पाँच इधर दस हो गए तो ये तो अंधेरे में हुआ लेकिन जैसे ही आप सी एल टू लेंगे और सूर्य का प्रकाश लेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा कितने हाइड्रोजन है दस

एडिशन रिएक्शन करा रहा हूँ अंधेरे में तो धीमे धीमे करेगा धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश लेंगे सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और टोटल जगह पर क्लोरीन लग जाएगा इसे कहते हैं ईथर के साथ क्लोरीनेशन अब भाई दस हाइड्रोजन निकले थे और दस सील के साथ चले गए प्लस में दे दीजिए क्लियर कब जब प्रकाश होकर तब अभी इस तरह का रिएक्शन दे देगा एग्जाम में तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि क्या लिखा हुआ है अंधेरा लिखा हो एक जगह लगाए कह रिक्शर को फिर से प्रोसीड कीजिए जैसे ए और बी पूछे कि ए और बी दोनों फाइंड कीजिए तो एक बार में एक से लगाएंगे आपकी मर्जी आप यहाँ नहीं लगा के पहली बार यहाँ लगा दीजिए दूसरी बार यहाँ लगाइए कोई दिक्कत नहीं लेकिन जैसे ही प्रकाश लिखा हो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे सारे क्लोरिन लग जाएंगे अगला देखिए एरोमेटिक ईथर का तो एरोमेटिक ईथर ये मिथाइल तो ये भाई मेटा डायरेक्टिंग होता है पैरा डायरेक्टिंग होता है लेकिन कभी कभी इसकी प्रवृत्ति चेंज कर जाती है रिएक्शन के ऊपर निर्भर करता है रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर करता है कि रिएक्शन होगा कहाँ तो बेसिकली आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि दो और चार पे ही लगेंगे क्योंकि ऑक्सीजन समूह है तो एनी सोल्क से कोई भी रिएक्शन कराएंगे आप जैसे सीएल टू से ही करा दिए तो सीएल टू कहाँ जाएगा और निर्देशक है तो एक पर चला जाएगा दो पर, और एक चला जाएगा, चार पर तो इस तरीके से रिएक्शन को आपको चार वाला मेन प्रोडक्ट होगा ये अल्प उत्पाद होगा मुख्य उत्पाद और अल्प उत्पाद बना सकते हैं तो एनी सोल पर कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो इसी तरीके से होगा कुछ मेटाडाइटिन होते हैं जिसको अगले क्लास में बताया जाएगा ईथर के यूटिलिटी की बात करें तो ईथर एक अच्छा विलायक है अच्छे विलायक के रूप में काम आता है लेकिन कुछ इथर हैं जहरीले होते हैं विषैले होते हैं कुछ बेहोश करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जिसे निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है इथर का अच्छा विलायक है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट uh, है कार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में ही घोल सकते हैं मैंने बताया था क्योंकि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक में इसलिए घुलेगा कि समान है समान समान को घोलता है या हाइड्रोजन बोन बना सकता है तो घोल सकता है तो बस इतना ही इथर पर और कोई क्वेश्चन हो तो उसको अगले क्लास में क्लियर कर देंगे अब अगले चैप्टर की जानकारी अगले क्लास में दी जाएगी